जो है वो बड़ी उनमें बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है मैंने तो अपने आंखों से उसको लाहौर में देख लिया लिबर्टी, लिबर्टी राउंड अबाउट में और फिर सोश, सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप देख रहे हैं जयीफ लोग यहाँ तक के आ, 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 मुझे अफसोस होता है बड़ा दुख होता है इस तरह की बातें सुनते हुए भी कि किस तरह के लोगों के दिल दुखे हुए हैं कि खातून ज़ीफ़ ख़ातून कह रही हैं और आप दीदा हैं आंसू रवाएँ हैं उनकी रखसारों पर छलक रहे हैं आप नहीं। नहीं। उसे गिर कर और वो कह रही हैं कि मुझे तो मुझे तो सोलह दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर की तरह का समा लगता है यहाँ तक लोगों के अंदर अफसोस गुस्सा गम और ये पाया जा रहा है कि किस तरह ये एक ये चंद दिनों चंद हफ्तों में एक अक्सरियत को अकलीत में तब्दील करके इस मसनू तरीके से और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो मुसलत की गई है और इसका अब कोई हल नहीं है इस इसको जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है इमरान खान साहब चेयरमैन पी टी आई ने कहा कि ये एक शख्स जिसके ऊपर सुबह के वक्त जो है फर्द जुर्म आयद होना है कि सोलह अरब रुपये ये चपरासीियों की और ये जो जो छोटे छोटे मैनेजर्स हैं उनके अकाउंटों में से राउट होकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है एक मकसूद चपरासी के अकाउंट से जो है वो चार अरब रुपए जो है वो राउट हुए हुए हैं और लॉन्डर हुए हुए हैं और वो ही आदमी जो है इस मुल्क के वजीर आजम के तौर पे हलफ ले रहा है इससे बड़ी तोहन जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है उसके जो पार्लियामान के जो निचला एवान है हाउस लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौमी असम्बली उसकी तोहैन और इसीलिए डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि मैं नहीं का जमीर नहीं इजाजत देताफी होकर सामने आ रही है, है मेरे हाँ। अभी मैंने ट्विटर पर सर देखी है जो मुनारे फराकिन है आपके उन लोगों की तरफ से एक बुजुर्ग शहरी को अभी मारा गया किसी होटल की वो फुटेज है निजी होटल की खालिबा इफ्तार वगैरह का वो वक्त है और वहां पर किया गया कहीं पर आप लोग नहीं समझते कि आप लोगों के अपने स्टेज से इमरान खान साहब की तरफ़ से और लो, आप लोग आप लोगों के दीर लोगों की तरफ़ से इस मामले को इतनी ज़्यादा हवा दे दी गई है कि अभी तसादुम की कैफियत पैदा हो रही है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मारा जा रहा है खैर बुज़ुर्ग शहरी को मारा गया ये काबिल मजम्मत अमल है लेकिन इतना ज़्यादा आवाम को तशद के ऊपर उबार दिया आप लोगों ने ये नारे लगा लगा के कि वो जहाँ कहीं बैठे हुए हैं उनको गद्दार गद्दार के कलमात कहे जा रहे हैं और फिर ये मारपीट का तसादम का मामला शुरू हो रहा है आप नहीं समझते कि ये सर गलत हो गया है जी मैंने वो फुटेज जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मैंने तो अभी तक नहीं देखी नहीं। आ, किसी बुज़ुर्ग शहरी को जिस किसी ने भी जिस किसी ने भी उनकी जान ली है और तशद के ज़रिए किया है कतई तौर पर यह कबूल बात है और इसकी मैं तो मजम्मत करता हूँ मुझे यकीन है कि इस किसी ने इनफरादी सतह पर कोई इस तरह का हरकत कर दी हो कोई भी अगर कॉल दी है चेयरमैन इमरान खान ने कोई भी अगर अवामी रबे की मुहिम पर वो निकल रहे हैं या एहतजाज करने की बात की है तो वो आइन और कानून के मुताबिक है और जो पाकिस्तान का आइन एक बुनियादी हक जिसका वादा करता है वो आइन के आर्टिकल 16 में पाया जाता है कि पुर, पुरामन एहतजाज हो पुरामन इजतम पर और गैर मुसल्ला जिसे कहते हैं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ये हमारे आइन के अल्फाज हैं आर्टिकल 16 के उस, उसके अलावा और कोई जो है तरीक़ार जो है उसका जिक्र नहीं और मैं आपको यह भी बता दूं अगर आप आई होती है की रात होती राउंड है समंदर नहीं जी मैंने ऐसा समुंदर नहीं देखा लोगों का और फिर मैं जब अपना काफिला एक लेके आया एक लाहौर के एक हिस्से से तो वो तो हम थोड़ी सी मोबिलाइजेशन जो कर रहे थे वो तो मोबिलाइजेशन तो की जरूरत नहीं थी लोग बच्चों को गोद में उठा उठा के ला रहे थे फैमिलीज आ रही थी एक गाड़ी से एक बच्चा उतरा टीन एजर बारह चौदह साल का वॉकर लेके डिफरेंटली एबल्ड था उसके मां बाप हमको देखा तो उन्होंने कहा सर आप इनको ले जाए वो अंदर आगे जाना चाहते हैं

जा रहा है ये सब ना हो सर ये आपके स्टेज से होना चाहिए अब आप मुझे बता दें पीटीआई की रैलियों में सर इदारों के खिलाफ नारे लग रहे हैं पोस्टर्स का मामला है सर ये पार्टी क्यादत की नज़र से गुजरा है नहीं जी कुछ मैंने भी लोगों ने प्लेक बना के उठाए हुए थे कुछ इस तरह के थे आ, मेरे ख्याल में इदारे का तो उसमें जिक्र किसी में नहीं आया कोई इनफरादी अफराद के ऊपर कोई बात उठाई जा रही थी लेकिन कतई तौर तो पर आपने देखा कि शाह महमूद साहब ने जो पार्टी के बिहाफ पे आखिरी तकरीर जो असेंबली में इस्तीफों से पहले की थी उसमें भी कल मैं रात एक, एक गैर मुल्की चैनल तर, को बड़े बड़े वाजी तौर तो पर नाम लिख वहां, वहां पर भी हुए सर नाम लिख लिख कर प्ले कार्ड उठाए हुए मेरी अर्ज सुन लें ये वो मेरी अर्ज सुन लें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शाह महमूद साहब ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कल मैं शाम को उसी को एक फॉरन चैनल ने भी मुझे पूछा मैंने उसका यही जवाब दिया हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं हम उनको सलूट करते हैं हम उनकी कुर्बानियों को सलूट करते हैं जी। और जिस तरह से वो हमारे हमार हम रात को सुकून से सोते हैं क्योंकि वो हमारा तहफ़ कर रहे हैं अंदरूनी जो है दुश्मन उनसे खिलाफ उन हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं लेकिन आइन में उनका जो दायरा है वो वजह है कि उनका काम पाकिस्तान की सरहदों का हिफाजत की हिफाजत करना है और सिविल हुकूमत के बुलाने पर कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को ना कंट्रोल कर सके तो उसमें मदद करना है